और जब आवेगा भगत सिंह किसके हाथ में। लेकिन प्यारी बहना सुन ले मेरी बात, और मेरा देश तय जुड़ा है बहन प्यारे, क्यों घबराई भारत रहेगा साथ में। ये भारत तेरे साथ में रहेगा, जिस दिन तेरा राखी का त्योहार आएगा इस देश का एक एक नौजवान तेरी राखी के बलिदान में खड़ा मिलेगा। नहीं भैया, ये आप गलत कहते हो, तुम्हें पता नहीं है। कहते हैं कि बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और जब बनकर बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। अच्छा, दुश्मन हजार होते हैं। अपनी बात कर मेरी, जब हमारी बनकर बिगड़ जाएगी तो भैया कोई किसी का साथ नहीं देता। अच्छा, मेरी बात सुनी भैया, कह दे अपनी बात और मेरी सुन ले। कबीला सभी के मलाल होगा, मतलब का जमाना रे सारा किसी को न ख्याल होगा। जान गवाते वो ही होता असली से, और हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों नहीं सके, हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों नहीं सके। झीले ना किसी पे भैया भगत सिंह, कह दे प्यारी बहना, माने आपको 9 महीने पेट में रखकर पाल कर पनोस कर बड़ा किया है, बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ा किया है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो बड़ी सुंदर सी दुल्हन लाएगा, और वो सुंदर सी दुल्हन है और मेरा बेटा भगत सिंह मेरी सेवा करेंगे। लेकिन भैया तुमने एक बार भी अपने माँ और बापू की तरफ नहीं देखा। हे मेरी प्यारी बहन, तुम्हें तो अपने इस शेर जैसे भाई पर गर्व होना
कि तुम्हें तेरी मां ने एक क्रांतिकारी सच्चे हिंदुस्तानी को जन्म दिया है और तू ऐसी बात करती है। मैं तो पैदा ही अपने इस देश के बलिदान के लिए हुआ हूं। कह दे अपनी बात और मेरी बात सुन ले। बड़े दुखाए बैठी मेरा बूढ़ा पकट जागा अपनी भी बनाए आजादी आजादी, लेकिन भैया आपने एक बार भी मेरी तरफ देखा है कि जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगी, भैया जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगी तो मेरे पटरे पर खड़े होकर बात कौन पहनाएगा, भैया मुझे चीन कौन उड़ाएगा। एक बार अपनी बहन की तरफ देखा हो तो शेर जैसे बहन की भाई की बहन है, तेरे मुंह से ये बहकी बहकी बातें शोभा नहीं देती। मेरा कलेजा दुखता है जब तू ऐसी बातें करती है। मेरी बहन, इस भारत माँ के लिए एक दाग लग जाएगा अगर आज मैं इस गोरे अंग्रेजों के सामने अपनी गर्दन झुका दूंगा तो। तेरा हिंदुस्तान भात भरेगा, तेरा ये पूरा संसार भात भरेगा। कह अपनी बात और मेरी बात सुनो। मेरी बात कह दे। जगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके जहाँ बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे को समझाना मेरी माता ने करिए परना। अरे भोली भाली फिर धूल जवानी पे पड़ जा तो भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा तो भारत माता।
सिंह कहते हैं ना, आपकी समझ में मेरी कोई भी बात नहीं आ रही है। तेरी समझ में भी नहीं आएगी, नहीं आ रही तो मेरी बात सुनी। ये देशभक्ति की बातें होती है, तेरे जैसी बहन की समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तू आज अपना एक स्वार्थ लेकर के यहाँ आई है, अपने भाई के प्यार की खातर आई है। ये तेरी समझ से बाहर है, कह अपनी बात। मेरी बात सुनिए भैया, तुम्हें एक मेरा स्वार्थ नजर आ रहा है, लेकिन भैया आप नहीं मान रहे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि जिस हाकिम ने तुम्हें ये सजा सुनाई है, मैं उस हाकिम से मिलना चाहती हूँ। इसलिए मैं इसलिए उस हाकिम से मिलना चाहती हूँ कि मैं उस हाकिम के हाथ जोड़ लूंगी। इसलिए मैं उस हाकिम के पैर पकड़ लूंगी। ए बहन, मैं उस हाकिम के आगे खूब गिड़गिड़ा लूंगी भैया। ये कौन सी बात कर दी तूने? वो बात कर दी भैया, गंगा मैया अपना रुख बदल सकती है, पत्थर पानी में तैर सकते हैं, सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन इस भगत सिंह का जो अटल पिंड है वो खाली नहीं जाएगा। भैया भगत सिंह, तुम इस बात को नहीं समझोगे भैया। अच्छा, एक बार तुम मिलाइए उस भगत सिंह। भैया भगत सिंह, मुझे उस हाकिम से एक बार तो मिलाइए, मैं उसके आगे हाथ जोड़ कर कहूंगी कि भाई, कि मेरे भाई को फांसी लगाने से बचा लीजिए, चाहे मुझे फांसी लगा दो, मेरे भगत सिंह को फांसी। जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो उस हाकिम के सामने हाथ जोड़ेगी, मेरे सम्मान को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी, इसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। तू कह अपनी बात और तेरी सब बातों का जवाब दूंगा। कह दे मेरी बात, कह दे। मालो भाई, नहीं इस हाकिम ने सजा सुनाई, एक बार तो मिला लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई को बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई को बचा लो भाई। और हर बच्चा जब बोलेगा राखी के नेक जोग में, हाँ बहन महरा भलिता।